हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी खुश होंगे एंड काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि आज ही एसएससी सीजीएल प्री 2021 का जो एग्ज़ाम रूटीन है, एग्ज़ाम डेट है, वो अनाउंस कर दिया गया है। और उसी के कारण मैं ये जो आज का वीडियो बना रहा हूँ उसी पे बेस्ड है, 1 मंथ रूटीन। सबसे पहली बात कि ये वीडियो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ऐसे कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब पे, बट मैं भी बना रहा हूँ। आप 2 से 3 मिनट देखो, आपको कहीं ना कहीं एक डिफरेंस दिखेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है क्या है, 1 मंथ रूटीन फॉर एसएससी सीजीएल। सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम? 11 अप्रैल से। ओके, एंड नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ वो आप लोग एक बार देख लो। सबसे पहले एक है मॉक टेस्ट प्लान, ठीक है, कि किस तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है, कब कब देना है, और 1 महीने में कितने मॉक टेस्ट देना है, ये मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वीक डेज़ पे हम लोग स्टडी कैसे करें। वीक डेज़ में मंडे से फ्राइडे को लेके चल रहा हूँ, सैटरडे संडे को मैं वीकेंड लेके चल रहा हूँ, कि वीक डेज़ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि वीकेंड पे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस 1 महीने के दौरान फॉलो करना है और समझना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो पहला है कि ये मॉक टेस्ट प्लान हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, आप ये ध्यान दो कि कल उठकर सुबह सुबह आपको नहा धोकर नाश्ता कर आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है सुबह में, फिर उसके बाद एक मॉक टेस्ट आपको इवनिंग में लगाना है। मैं दो मॉक टेस्ट क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से आपको सुनना है इस चीज़ को, ठीक है। ये दो मॉक टेस्ट इसलिए मैं बोला हूँ क्योंकि इन दो मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो है वीक चैप्टर्स कौन कौन सा है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन कौन सा है, ठीक है। एक मॉक टेस्ट में सारे सिलेबस, सारे जो भी मतलब चैप्टर्स पूछे जाते हैं वो कवर नहीं हो सकते, ठीक है। आप दो मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग लगभग सारे जो है वो कवर हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे ये टॉपिक वीक है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको हर मॉक टेस्ट के बाद कुछ ना कुछ नया मिलेगा, पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक अभी वीक रह गया है, बट दो मॉक टेस्ट कुछ देर के लिए इनफ हम लोग समझेंगे, क्योंकि 1 दिन में हम लोग 2 से ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते हैं, और हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम है, 1 महीने का टाइम है, इसलिए हमें जल्दी इस चीज़ को पिक करके समझ करके एक अच्छे से प्लान बनाना होगा, ठीक है। तो कल आपको क्या करना है, एक मॉर्निंग में मॉक टेस्ट लगाना है और एक इवनिंग में, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका कुछ भी मार्क्स हो, ठीक है, 80, 90, 100, 120, 150, 180, तो कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ अभी भी कमी है, राइट। कोई 100% नहीं है कि जिसे 200 में 200 आ जाएगा, हाँ जिसे आ रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ तो कमी होता ही है, रहता ही है, तो दोनों मॉक टेस्ट में उसे कुछ ना कुछ कमी मिलेगा, और उसे वो क्या करेगा उसके बाद, नोट डाउन, मैंने लिखा है नोट डाउन योर वीक सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स इन 1 पेज एंड स्टिक इट टू द वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। जो भी आपका वीक चैप्टर है आप चारों सब्जेक्ट को ऊपर लिख लेना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GKGS, ठीक है, और इनके नीचे वो चैप्टर्स आप लिखोगे जो आपके वीक हैं, जो आपको इस 1 महीने के अंदर पढ़ना है एक अच्छे तरीके से, एक नए शुरुआत के साथ से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, इन द नेक्स्ट 2 वीक्स यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक ऑन अल्टरनेट डेज, MWF और TTS, ऑन संडे नो मॉक टेस्ट ओनली रिविजन, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखा आप समझो, यहाँ पे अभी हमारे पास 1 महीने हैं, 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, और 30 दिन में कितने वीक होते हैं, 4 वीक, राइट। 4 वीक में पहला 2 वीक, फिर आखिरी का 2 वीक, ठीक है। तो इन पहले 2 वीक में, जो कि आप कल से मान लो, ये मान लो अभी का पहला वीक है, वैसे मंडे से स्टार्ट होने वाला है वीक, बट आप लेके चलो कि आपका वीक जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 2 वीक में आपको अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाना है, डेली मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को देना है या फिर
ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को देना है, ठीक है। संडेज को मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है इसका आपको अगले स्लाइड एक दो स्लाइड में पता चल जाएगा कि मंडे को संडे को हम लोग करने क्या वाले हैं एक्चुअली में, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहाँ लिखा है लास्ट 2 वीक्स अटेम्प्ट 1 मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस, मतलब लास्ट का जो 2 वीक है हमारे पास उसमें आपको डेली एक मॉक लगाना ही लगाना है डेली बेसिस पे, ठीक है। और उसके बाद ट्राई टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट इन नाइट, इसका रीज़न क्या है, मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है। मान लो आप सुबह सुबह उठ के मॉक टेस्ट लगाते हो और आपका मार्क्स थोड़ा लो हो जाता है, ठीक है। मार्क्स जैसे लो होगा तो आपको दिन भर कहीं ना कहीं वो माइंड में मतलब वो चलता रहेगा, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपका पढ़ाई मतलब उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना फोकस से आपका होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि रात में जब सब सो जाए आराम से शांति से बैठ के आप तब मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे क्या क्या होगा ना, आपका एक फोकस होगा, अच्छे से आप टेस्ट भी दे पाओगे, उसके बाद रात में एनालिसिस भी अच्छे से आप कर सकते हो शांति से, उसके बाद सोते सोते सोने से 10 मिनट 15 मिनट पहले आप सोच सकते हो कि हाँ मेरा क्या क्या कमी था आज मॉक टेस्ट में, कल सुबह मुझे ये सब पढ़ना है, रूटीन अच्छे से मतलब तैयार हो जाएगा रात में ही आपका, जिससे कि आप नेक्स्ट डे एक नई शुरुआत से आप स्टार्ट करोगे। अगर आप सुबह में मॉक देते हो आपका मार्क्स खराब आ गया तो आपका सारा दिन जो है उसी में चल जाएगा कि मॉक टेस्ट खराब हो गया, एक महीना एग्जाम का बचा है, अब मैं क्या करूँ, मेरे से होगा कि नहीं, मतलब इतने सारे क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहेंगे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट लगाना है तो अभी रात में लगाना है, जब तक कि आपको ये नहीं पता चल जाए कि आपका एग्ज़ाम जो है किस डेट को है और किस टाइम को, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट है नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थ्योरी फ्रॉम द मॉक, ठीक है। मॉक टेस्ट लगा के बस छोड़ नहीं देना, मॉक टेस्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करना है, प्रॉपर एनालिसिस। उस एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि आपका क्या क्या मिस हो रहा है, कहाँ पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, किस क्वेश्चन में आप बार बार अटक रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करोगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगे जो कि आपको लगेगा इसे नोट डाउन करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको उसको सेग्रीगेट करना होगा कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को आप उसमें नोट डाउन करोगे। सब चीज़ को नोट डाउन करोगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, मतलब आपके पास मतलब 5 से 10 पॉइंट बहुत हो गया, इससे ज़्यादा जो है आप पॉइंट उस मॉक टेस्ट से उसमें अपनी कॉपी में नहीं नोट करोगे, राइट। इससे ज़्यादा करोगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम उसी में देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 से 10 पॉइंट होंगे जो आपको मॉक टेस्ट में मिसिंग लगेगा, मॉक टेस्ट में लगेगा कि आपसे ये नहीं हो रहा है, उसे आप नोट डाउन करना। यहाँ तक आपका क्लियर है कि आपको मॉक टेस्ट कब और कैसे देना है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं लिखना शायद भूल गया हूँ, आप जो मॉक टेस्ट अभी लगाओगे सिर्फ और सिर्फ PYP लगाओगे, ओके। जैसे मान लो कि हमारे पास जो है अभी PYP बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, तो उस पर जो है PYP 2018 2019 और 2020, ठीक है, इन तीनों ईयर के जो PYPs हैं वो भरे पड़े होंगे, मतलब हर एक का अगर हम लोग देखेंगे 30-30 सेट भी होगा तो आपके पास 90 सेट्स, कितने सेट्स हैं, 90 सेट्स, और PYP दे के ही काम बन जाएगा, एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज नहीं भी लगाओगे चलेगा। तो हम लोग PYP से ही स्टार्ट करेंगे, लास्ट के जो 2 वीक है मतलब 14 से 15 दिन, उसके लिए भी आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ जो है PYP बचा के रखोगे जो कि आपको लास्ट टाइम में देना है, ठीक है, बीच में आप अलग से भी टेस्ट दे सकते हो। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट का प्लान, आप इसे अच्छे से फॉलो कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, अदरवाइज आपका कुछ और प्लान हो तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि खुद का प्लान जो होता है वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा क्या जो टाइटल है, स्टडी एंड रिविज़न प्लान ऑफ वीकडेज, ठीक है। वीकडेज का क्या स्टडी एंड रिविज़न प्लान होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूँ अभी। मंडे टू फ्राइडे टास्क विच यू शुड डू ऑन डेली बेसिस, मंडे टू फ्राइडे आपको क्या ऐसा चीज़ है जो कि डेली करना ही करना है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बताया हूँ। 30 साइनो विथ हिंदी मीनिंग, आपको सिर्फ सिनोनिम्स याद करना है, एंटोनिम्स खुद ब खुद याद हो जाएगा अगर आप उसका हिंदी मीनिंग याद कर लोगे तो, ठीक है, एग्जाम में आने के बाद तो पता चल जाता है इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है। 30 फ्रेज है एंड 31 वर्ड, ये तीनों चीज़ें आपको डेली के डेली करना ही करना है अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, 45 मिनट 45 मिनट एंड 45 मिनट, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद GK GS में करंट अफेयर्स पे आपको 1 से 2 घंटे देना है, ठीक है, जिसमें कि आपको एक टॉपिक डेली बेसिस पे कवर करना है। अब ये टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं,
जैसे कि आप कभी एक खेल से कुछ याद कर लिए, ठीक है, कभी आप अवार्ड से याद कर लिए कुछ, कभी राष्ट्रपति न्यू अपॉइंटमेंट जो है उससे याद कर लिए कुछ, तो इस तरह के आप टॉपिक्स डिवाइड करके हर एक दिन एक टॉपिक आपको कवर करना ही करना है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो आपको टाइम देना है, क्योंकि जो जीके जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं उसी का फाइनली अच्छा स्कोर बनता है टोटल, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे, रिवीजन ऑफ ऑल फार्मूला ऑफ वन चैप्टर रिलेटेड टू योर स्टडीड चैप्टर। आपने मैथ्स में जो भी चैप्टर पढ़ रखा है अच्छे से, उसमें कुछ ना कुछ फार्मूला, कुछ ना कुछ थ्योरी होता है, तो उसका आपको एक चैप्टर का डेली आपको रिवीजन करना है। इस तरह से आप कब से कब करोगे, मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है। ये जो था, अब इसमें कितना टाइम लगेगा आपको ये देखो, 45 45 45, और यहाँ भी 45 मिनट, मतलब आपको इसमें लगेंगी कितने हो गए, 1.5 घंटा इधर, 1.5 घंटा इधर, 3 घंटा यहाँ हो गया, और अगर 1 से 2 घंटा इधर देते हो तो मान लो इधर 5 घंटा, 5 घंटा आपका इसमें जाएगा, ठीक है। 1 घंटा मॉक, आधा घंटा एनालिसिस, प्लस 1.30, मतलब 6.5 घंटा आपका इधर चले गया। अभी भी हमारे पास 5 से 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए, आप अभी 1 महीने बचे हैं तो आपको 10 से 12 घंटे देने होंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, अदरवाइज क्वालिफाई तो बहुत सारे करते हैं। नेक्स्ट है स्टडी प्लान फॉर वीक डेज, ठीक है, वीक डेज का क्या स्टडी प्लान होना चाहिए आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मेक अ प्लान टू रीड दोज वीक चैप्टर्स विच यू हैव फाउंड इन एनालिसिस ऑफ यस्टरडेज मॉक टेस्ट, ठीक है। तो जो भी आपने मॉक टेस्ट में एनालिसिस से पता चला आपका ये वीक चैप्टर है, ये खराब चैप्टर, इसे पढ़ना चाहिए, उसका आप एक क्या करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, वो मैंने बताया था आपको चिपकाना है बोर्ड पे। उसके बाद क्या लिखा मैंने, डू रिवीजन और स्टडी फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट चैप्टर फ्रॉम एनी गुड और रिलेवेंट बुक, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि डेली जो है कोई एक टॉपिक को पिक कर लेना है, ठीक है, इजी छोटा बड़ा जो भी है आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 दिन लगता है या 2 दिन लगता है, ठीक है। मान लो आपने मैथ्स का कोई एक चैप्टर उठाया है, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस उठाया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी छोटा है और आप उसे 1 दिन में कवर कर सकते हो। बट यही अगर ज्योमेट्री होगा मैथमेटिक्स का जो कि आपका वीक है, तो इसमें कम से कम तो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं अगर आप अच्छे से पूरा पढ़ना चाहते हो और कुछ भी नहीं जानते हो तो, ठीक है। अगर बहुत कुछ जानते होगे तो आप इसे 1 दिन में ख़त्म कर सकते हो, और फिर 1 दिन आपको लगेगा इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि आप 1 महीने के अंदर जो भी आपका वीक चैप्टर था आप उसे पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राई टू रिवाइज वन चैप्टर। हाँ, ये तो है कि आपका जो वीक चैप्टर है उसके लिए था पहला पॉइंट, ठीक है, वीक चैप्टर था उसके लिए ये पॉइंट था। अब बात आती है सिर्फ वीक चैप्टर्स पढ़ेंगे तो फिर 1 महीने हैं तो 1 महीने में लोग भूलते भी तो हैं, तो आपका जो चैप्टर अच्छा है जिसमें आपका काफ़ी अच्छा पकड़ है उसे भी हमें पढ़ना है ना, तो इसमें जो है जो न्यू चैप्टर है आप इसमें 3 घंटे आप दो डेली के, और जो आपका पहले से अच्छा है उसके लिए 2 घंटे निकालो, जिसमें कि 2 घंटे में आप काफ़ी अच्छा ज़्यादा चैप्टर्स कवर कर सकते हो, मतलब 2 घंटे में 3 4 चैप्टर या 2 3 चैप्टर कवर कर सकते हो, एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर फिर इंग्लिश का, मतलब ग्रामर पोर्शन ये ख़त्म कर सकते हो, मैथ्स का कोई एक चैप्टर पढ़ सकते हो टाइम एंड वर्क लाइक, इस तरह से। तो अपना वो आप खुद प्लान कर लेना कि किस तरह से मुझे करना है। तो मैंने लिखा है ट्राई टू रिवाइज वन चैप्टर फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग पोर्शन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट ऑन डेली बेसिस, सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बुक्स और चैप्टर्स प्रेजेंट ऑन एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप कहीं से भी इसे पढ़ सकते हो। ये था हमारा वीक डेज का प्लान। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा वीकेंड का प्लान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है स्टडी एंड रिविजन प्लान ऑफ वीकेंड। वीकेंड पे सिर्फ और सिर्फ हमें रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, न्यू चैप्टर्स कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है। तो मैंने क्या लिखा है, रिवाइज ऑल द साइनो साइनो वन वर्ड फ्रेज करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि आप पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में पढ़े हो, मंडे टू फ्राइडे जो 5 दिनों में पढ़े हो, जितने भी पढ़े हो उसको आप सैटरडे एंड संडे को फुल्ली अच्छे से रिवाइज करोगे। जितना ज़्यादा लिखोगे, लिख लिख के रिवाइज करना, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा दिमाग में वो बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है रिवाइज ऑल द न्यू चैप्टर्स फार्मूला और कॉन्सेप्ट विच यू हैव रीड इन वीक डेज। ये मैंने बताया था पिछले स्लाइड में कि आपको न्यू चैप्टर्स के फार्मूला भी पढ़ने हैं, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, उसे भी रिवाइज करना है। रिवाइज ऑल द नोट्स विच यू हैव मेड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एनालिसिस के बाद जो आपने नोट किया अपने कॉपी में, जो जो न्यू क्वेश्चंस थे, न्यू थ्योरी थे, उसे भी आपको वीकेंड पे क्या करना है, रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, एक एक चीज़ को लिखो बार बार, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है नो नीड टू रीड एनी न्यू चैप्टर्स ऑन वीकेंड्स। न्यू वीकेंड पे कोई भी न्यू चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, वीकेंड पे हम मॉक टेस्ट लगाना था, मैंने लिखा था वहाँ पे कि वीकेंड पे हमें अच्छे से मॉक टेस्ट लगाना है, वो पिछले साइड में मैंने बताया था, ठीक है, वो ध्यान देना, ठीक है।
ये था हमारा टोटल 1 महीने का प्लान। ये अब किसका कौन अच्छा चैप्टर है, कौन वीक चैप्टर है, तो ये तो स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता है, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट, इसलिए वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं डेली प्लान भी बताऊँ, तो डेली प्लान बताने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वो बताने का मतलब हो गया कि अब किसको सोच के बताऊँगा। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिसका बहुत सारा चैप्टर अच्छा होगा, एक दो चैप्टर वीक होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे कुछ भी नहीं आता होगा, उसे भी लेकिन सीजियल करना है, तो फिर सबके लिए प्लान अलग अलग हो जाएगा, वेरी करेगा। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि एक बारी मैं बता देता हूँ आप, ये रिवीजन स्टडी प्लान ये तो सबके लिए फॉलो कर सकते हो, और ये जो है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वीक डेज पे कैसे अपने पढ़े हुए चैप्टर को या न्यू चैप्टर को पढ़ते हो। तो अच्छे से एक प्लान बना लेना कल बैठ के, तभी आप अच्छे से पूरा कवर कर पाओगे, नहीं तो पढ़ोगे बिना प्लान के तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो है ये PYP जिसके पास भी नहीं है फ्रेज एंड वन वर्ड का, मेरे पास इसका PDF है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे डाल दे रहा हूँ, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए। वीडियो को आपने अंत तक देखा, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।